नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, जो कि आप खुद से भी अपने घर पे बना सकते हैं और अपने दीवार को एक नया लुक दे सकते हैं। दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने से पहले आपको वाइट एनामल पेंट का बेस बनाना ज़रूरी है। मतलब वाइट एनामल पेंट आपको लगाना पड़ेगा एक कोट, उसके बाद ये डिज़ाइन एनामल पेंट में ही बनेगा। और इसके लिए बिल्कुल फिनिश वॉल होनी चाहिए, जो कि वॉल पुट्टी से फिनिश किया जाता है। तो अगर पहले से ही आपके दीवार पे वॉल पुट्टी लगा है तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं लगा है, अभी नया प्लास्टर हुआ है, तो उस पे पहले आप वॉल पुट्टी लगवा लें और उसको घिसाई प्राइमर करने के बाद एक कोट एनामल पेंट का लगाएं। और इनामल पेंट लगाने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे तक उसको सूखने दें। और इनामल पेंट अच्छी तरह से सूख जाने के बाद हम दो बर्तन लेंगे, दो डब्बे लेंगे। उसमें एक में वाइट इनामल पेंट लेंगे और दूसरे बर्तन में जो भी अपना कलर जो यूज़ करना चाहते हैं उस कलर का स्टेनर हम लेंगे उस बर्तन में। दोस्तों, मैंने इसमें ब्लू कलर का शेड और वाइट कलर का यूज किया है, और आप चाहे तो कोई सा भी कलर, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, और उसके साथ में वाइट होना ज़रूरी है। आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। सबसे पहले हम अपने ब्रश को वाइट इनामल पेंट में डुबोएंगे, उसके बाद उसके कॉर्नर पे हल्का सा ब्लू कलर का स्टेनर जो है उसको लगाएंगे। उसको लगाने के बाद बिल्कुल सीध में उसके हिसाब से उसको खींचेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में कि इस प्रकार से इसको वाइट में डुबोकर उसके बाद वो ब्लू कलर का स्टेनर लगाएंगे। उसको एक बारी बारी से लाइनिंग आपको जैसा भी, आप इसको आड़ा तिरछा कैसा भी कर सकते हैं। मैंने इसको वुडन टेक्चर टाइप का दिया है इसको लुक, तो आप चाहे तो आड़ा खड़ा कैसा भी लाइनिंग कर देंगे तो भी अच्छा लगेगा इसका लुक देखने में। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को स्क्वायर में भी बना सकते हैं। इसके लिए पहले एक बड़ा स्क्वायर बनाएं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा ऐसा करते हैं। लास्ट तक सबसे छोटा स्क्वायर बनाएं और बीच में वो ब्लू कलर का थोड़ा डार्क स्क्वायर बना दें, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लुक आता है देखने में। जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें बड़े से फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसा करके डिज़ाइन बनाया गया है। तो अब स्क्वायर में या राउंड में जैसा भी आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। वैसे आजकल मार्केट में काफ़ी नए नए टेक्चर्स, डिजाइन्स आ गए हैं और उसके नए नए टूल्स भी आ गए हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं। उसको लगाने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल तरीके से है। इसको आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, काफ़ी सस्ते में और अच्छा डिज़ाइन। आपको इसका कलर अपने हिसाब से आप चॉइस करके बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना जो भी सुझाव हो मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मैं रोज़ आपके लिए नए नए और सस्ते पैटर्न, नए डिज़ाइंस आपके लिए लेकर आता रहूं और रोज़ नए नए वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।